ये जो है थोड़ा सा दिखाई कम देता है इनको, तो इनके एक आदमी के सहारा लेना पड़ता है इनको। तो आप लोग थोड़ा देखिए इनकी आंखें सही है क्या। अरे आंखें ऊपर करो चचा, और इनसे मिलाता हूँ। ये जो है ये अंधेरे आदमी है। इनको दिन में भी दिखाई नहीं देता है। चार दिन के बाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। संस्कारी लोग सब्सक्राइब करो ऐसा बोलो यार। संस्कारी लोग सब्सक्राइब करो ऐसा बोलो। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे गोरे ब्लॉग में। तो दोस्तों कल का जो प्रोग्राम था शादी का वो तो आप लोगों ने देखा वीडियो, और आज जो है वलीमे का प्रोग्राम है, रिसेप्शन का प्रोग्राम है भतीजे का। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कि आज वलीमे का वीडियो ऐसा बनाया जाए कि हर कोई देखे और उसको मज़ा आ जाए। अभी जो हमारा रिसेप्शन का हॉल है उसमें मैं सुबह आ चुका हूँ, और अभी यहाँ पर सारे इंतजाम हम लोग मिल के कर रहे हैं यहाँ पर। अभी फ़िलहाल मैं तैयार नहीं हुआ, और मैं बाकी लोगों को भेज दूँगा, बोला जाओ तुम लोग तैयार होके आओ, मैं लास्ट में जाऊँगा और एकदम अपना ब्लेजर पहन के आऊँगा, तैयार होके आऊँगा और आप लोगों से आप सबके साथ में ब्लॉग बनाऊँगा मिलके यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे है ना अभी खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो सब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें बन रही है वो सारी चीज़ खाने का एक एक चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है, और सारी चीज़ जो है ना एक A1 क्वालिटी की होनी चाहिए, ताकि ताकि जितने भी मेहमान आ रहे हैं ना वो सबको मज़ा आ जाए खाकर, और सब बोले वाह क्या लाजवाब खाना है, सब बोले सब। जब ऐसा बोलेंगे ना तो सारी मेहनत जो मेरी वो सफल हो जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, सफल हो जाएंगी। तो हमारे खानदान की शादी आपने देखा कल, और आज हम अपने खानदान के जो वलीमे होते हैं, हमारे खानदान में कैसे वलीमे होते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने हमने चिकन का आइटम रखा है और वेज भी रखा है, तो हमने अपने सब लोगों को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें यहाँ पर रखा है, और आप लोगों के साथ वलीमे में मज़ा आने वाला है दोस्तों। मैं आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे, और सारी चीज़ एक्सप्लोर करने वाला हूँ यहाँ पे वलीमा कैसा होता है। तो दोस्तों मैं सुबह उठ के ऐसे ही आ गया जल्दी जल्दी में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम निपटाना था। तो अभी मैं जा रहा हूँ रेडी होने के लिए, रेडी होकर आता हूँ फिर नए लुक में आपसे मिलता हूँ। चलो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय। बसंती लेकर निकल रहा हूँ और चलते हैं हॉल। ये देखिए अपनी बसंती तैयार है यहाँ पर, सब बच्चे लोग बैठ गए हैं, अभी आप उसके अंदर बैठते हैं और चलते हैं। चलो ये उदा एडी इकरा हाय ए चटे। हम लोग अभी जा रहे हैं तो अपनी बसंती तैयार हो चुकी है दोस्तों, निकलते हैं अब हम। तो चलो मिलते हैं हॉल में सीधा। तो दोस्तों फाइनली मैं हॉल के पास पहुंच चुका हूं, देखिए सामने हॉल है और अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी जीजा जी भी आ गए हैं तो चलते हैं साथ में एंट्री मारते हैं। ये देखो सामने ये हॉल है, मेरे पीछे जो है सब लोग बैठे सामने, और बहुत ही मज़ा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही है तो आवाज़ थोड़ी कम सुनाई देती रहेगी, बाकी सब तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं, वहाँ पर स्टेज के ऊपर सब बैठे हुए हैं लोग, तो आप देखो मज़ा आ रहा है या। तो चलो जो है और उनसे दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये कड़ाक गान, लाइक करना है दोस्तों लाइक। तो चलो बाहर चलते हैं और फिर इसको पैक करके। तो दोस्तों बाहर जो अंदर जो है ना इतने ज़्यादा आवाज़ है ना, इतनी ज़्यादा आवाज़ है, आवाज़ें गूंज रही है, तो उसकी वजह से कुछ सुनाई नहीं दिया रहेगा आपको। बट आप लोग को मैं व्यू दिखाने के लिए वहाँ पर गया था, और कैसा व्यू है आप लोग देख सकते हैं। हमारे के शादियों में पहले के वलीमों में स्टेज के ऊपर दुल्हन नहीं आती थी, अभी थोड़ा सा जमाना बदल गया क्योंकि जनरेशन चेंज हो गई है। हम लोग की शादी हो तक अब ऐसा नहीं हुआ था, अब बच्चों की शादी हो रही है तो बच्चों की शादियों में थोड़ा सा एक ऐड हो चुका है कि दुल्हन भी स्टेज के ऊपर रहती है, वहाँ पर दुल्हन के साथ भी लोग मिल सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ दूल्हा ही रहता था। तो ये चीज़ मैं आपको बताने के लिए आया था ऊपर और दिखाने के लिए आया था। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ से, हॉल एकदम भरा हुआ है चकाचक, और आवाज़ें इतनी शोर शराबा इतना हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और मेरा लुक आप लोग देख सकते हैं किस तरह से है, बहुत ही आज मैं खुश हूँ क्योंकि मैं 14 साल के बाद मैं ये जो ब्लेजर है पहना हूँ। कैसा लग रहा हूँ आप लोग बताना कि मेरा ये ब्लेजर कैसा लग रहा है, आप लोग बताना मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, जो ब्लेजर है मैंने पहना हुआ कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। तो बाकी के चीज़ मैं आपको एक्सप्लोर करता हूँ। चलो खाना वगैरह में क्या क्या है वो तो मैं सुबह आपको बता चुका था। अभी जो उनका बनाने का तरीका है तंदूरी रोटी यूनिक है पूरा, बहुत ही कमाल लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी देखिए इस वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, जो तंदूरी का भट्टा है वो एकदम बढ़िया उन लोगों ने यूनिक तरीके से बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा था, उसमें आग जल रही थी तो मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने बोला आप लोग भी देखिए। और इसके साथ साथ दोस्तों मीठे में कुछ रखा गया जो खाने पीने का, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ अपने फ़ोटोशूट की तरफ, फ़ोटोशूट करता हूँ, आप लोग इन्जॉय करिए। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपना ब्लॉग बनाने के लिए, आओ फिर
तो दोस्तों फाइनली मैं स्टेज के ऊपर आ गया हूँ। दूल्हा दुल्हन है यहाँ पे है और ये मेरे गांव से लोग आए हुए हैं। वहाँ पे दो लोग हैं, वो साइड में देख लीजिए। यहाँ पे सब इंतज़ार कर रहे हैं खाने का, खाना अभी तक पहुँच नहीं रहा है जो उसकी वजह है दूल्हा दुल्हन गए सोलो फोटोशूट करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल सब लोग यहाँ पे टेबल पर बैठे हुए हैं प्लेट लेके, यहाँ पे खाना अभी तक पहुँच नहीं रहा है। तो जब तक दूल्हा दुल्हन आ जाते नहीं तब तक खाना नहीं आएगा। तो मैं सोच जा रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी से दूल्हे को बुलाने के लिए, दूल्हा दुल्हन को, ताकि लोगों को खाना जल्दी मिल जाए। खाना खाने बैठे मिला नहीं है। हाँ हाय बाय बाय बड़े ब्लॉगर। ये भी मुँह छुपा रही है, कुछ तो राज है। खाना आ गया, खाना आ गया, खाओ फटाफट आप लोग। प्रोग्राम खत्म हो गया है, अभी दुल्हन को लेके जा रहे हैं भाई लोग हमारे। दुल्हन रिटर्न जा रही है अपने घर पे। अब इसके बाद सेकंड टाइम पे जब आएंगे तो ज़्यादा दिन रुकेंगी। अभी फिलहाल हम जो है अभी भाई किसको विदा कर रहे हैं। तो चलो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो दोस्तों चलो मैं अभी कार लेकर आता हूँ, कुछ सामान है लेके जाना है, तो कार को हॉल में लगाता हूँ। तो हॉल में लगाने के बाद में हॉल में लगाऊँगा, उसमें सामान रखूंगा और उसके बाद फिर घर पे चलेंगे। ये बस में दुल्हन जाने वाली है और ये विदाई के मतलब दुल्हन जो आई थी हमारे घर पे, वो दुल्हन अब रिटर्न अपने घर पे जा रही है, मतलब अभी मायके में जा रही। तो फिर वहाँ से आते हैं जाते हैं।